हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन के एक नया वीडियो पे। दोस्तों वावे की तरफ से एक काफी खतरनाक फोन को लॉन्च किया गया है। हाँ दोस्तों, खतरनाक वर्ड में इसीलिए यूज करो क्योंकि इस फोन का जो स्पेसिफिकेशन आप लोग सुनोगे ना, मतलब आप लोग पागल हो जाओगे और प्राइस जो है वो भी सुनकर आप लोग पागल हो जाओगे। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Huawei Mate X2 के बारे में। देखो दोस्तों, ये जो फोन है काफी अच्छा फोन है, मेरे को काफी अच्छा लगा। चाइना के मार्केट पे बहुत जल्द मिलने वाला है, इंडियन मार्केट पे आएगा कि नहीं उसके बारे में वीडियो के एंड में आप लोगों को बताएंगे। तो सारे चीज के बारे में क्लियरली आप लोगों को आज की इस वीडियो पे हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, Huawei Mate X2 प्राइस, लॉन्च, ये सारी चीज को अभी साइड में रखते एंड में बताएंगे। अभी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के साइड से डिस्प्ले वगैरह के बारे में, तो अगर आप इसको बंद करके रखते हो तो 6.45 इंच का एक OLED डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलता है विद 1160x2700 pixels रेजोल्यूशन, 90Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, उसके साथ 456 PPI, तो सारी चीज जो है मक्खन देखने को मिल रहा है। बट जब आप इस फोन को खोल देते हो तब आपके सामने मैसिव 8 इंच का स्क्रीन देखने को मिलता है विद 2200x2480 pixels विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सैम्पलिंग रेट एंड 413 PPI पिक्सल डेंसिटी जो है वो। अब यहाँ पे बात है सारी चीज तो चलो भाई ठीक है, मेरे को एक जगह पे कमी लगा क्योंकि आप लोगों को भी ऑब्वियसली ये फील होगा कि 90Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे हिसाब से 120Hz का जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए था रिफ्रेश रेट, क्योंकि जब एक फोन का प्राइस इतना ज्यादा हो और वहां पे 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही जाता है। तो मेरे को लगा ये जगह पे अगर वो लोग चेंज कर देता Huawei तो थोड़ा और मजा आ जाता। अब उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को किरिन 9000 का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड माली जी 78 का GPU देखने को मिलता है। मतलब आपका प्रोसेसिंग पावर जो है, आपका ग्राफिक्स क्वालिटी जो है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी सही होने वाला है। अब बात है रैम रोम का ऑप्शन कितना मिलेगा Huawei Mate X2 के अंदर। यहाँ पे आपको दो रैम का ऑप्शन मिल रहा है, एक रैम के साथ दो रोम का ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे 8+256GB एंड 8+512GB का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नैनो सिम यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा वगैरह के बारे में, जहां पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद f1.9 एपर्चर के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप उसके साथ वीडियो वगैरह बनाओ या फोटो वगैरह बनाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इवन दोस्तों 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड का सेंसर देखने को मिलेगा जो f2.2 एपर्चर के साथ आएगा। 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो शूटर देखने को मिलेगा, उसके साथ भी आपको YES का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 8 मेगापिक्सल का एक सुपर जूम कैमरा देखने को मिलेगा विद f4.4 एपर्चर। तो चार कैमरा है, क्वालिटी जो है टॉप नॉच आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहां पे आप लोगों को 10x का ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलेगा सुपर जूम के साथ। अगर हम दोस्तों फ्रंट कैमरा का बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो f2.2 अपर्चर के साथ आता है। अब बात है ये जो दोनों कैमरा है इसमें से बैक कैमरा के थ्रू आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके साथ बाकी जितने भी मोड्स वगैरह है तो वो तो सारे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन दोस्तों उसके साथ अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जितना दूर तक अभी तक मेरे को पता चला है। इन फ्यूचर चेंज हो भी सकता है, तो जब ये फोन फाइनली हाथ पे आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों अगर बात करते हैं बाकी कनेक्टिविटी वगैरह का, 5G फोन है, 4G LTE सपोर्ट है, वाईफाई 6 के साथ चलता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, NFC है, USB टाइप सी के साथ ये चार्ज हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों अगर हम बैटरी वगैरह का बात करते हैं तो 4500mAh का बैटरी है विद 55W का फास्ट चार्जर, फोल्डिंग फोन 4500mAh बैटरी, 55W फास्ट चार्जर। बैटरी कैपेसिटी और थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए था मेरे हिसाब से, 5000-5500 तक देना चाहिए था 55W का फास्ट चार्जिंग, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डुअल स्क्रीन रन हो रहा है और जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली लोग ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप जो है
वो और थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था, बट फिर भी चलो अब दे ही दिया है तो कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो 55 वॉट का चार्जर है वो आप लोगों को इनसाइड द बॉक्स ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस वगैरह का एंड लॉन्च वगैरह का। तो प्राइस जो है दोस्तों, 8 to 56 GB का जो प्राइस है वो आता है 201,000 रुपया, मतलब आप 2 लाख ही पकड़ लो। और उसके साथ जो 8 512 GB वेरियंट है उसका प्राइस आता है 2.12 लाख, मतलब 2,12,000 रुपया। तो आप अगर देखते हो 2 लाख के प्राइस पे ये जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। थोड़ा और कम होना चाहिए था प्राइस, एटलीस्ट 150 या 1.75 तक होता तो फिर भी चलता, 2 लाख थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप लोगों का क्या राय है दोस्तों ऑब्वियसली कमेंट करके बताना। और लॉन्च के बारे में अगर आप लोग पूछोगे तो वी मॉल पे 25th February से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चाइना से अगर आप लोग मंगवा सकते हो तो मंगवा लो, और नहीं तो वेट करो इंडिया पे कब लॉन्च होता है। इंडिया का लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा लॉन्च डेट। और यहाँ पे ब्राइट ब्लैक, आइस क्रिस्टल ब्लू एंड आइस क्रिस्टल पाउडर एंड वाइट ग्लेज, ये 4 कलर पे ये फ़ोन अवेलेबल है। तो यही था दोस्तों Huawei Mate X2 के बारे में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख देना, और हम लोगों का वेबसाइट चेक करना ना बोले, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आप लोगों का काम है, बिल्कुल फ्री है, प्लीज वो सारे काम कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।